पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो। सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो। सबसे पहले वोट दो। योर वोट, योर वॉइस, योर वोट, योर पावर, योर वोट, योर पावर, योर वोट, योर पावर, योर वोट, योर पावर, योर वोट, योर पावर। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। तुमसे अधिकार। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। तुमसे मत, तुमसे अधिकार। बड़े हो या जवान, सभी करें मतदान। बड़े हो या जवान, सभी करें मतदान। जो इतना कार्य करते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, वो इलेक्शन से संबंधित है, इलेक्शन ऑफिसर है। सुभाष दलवी, सुभाष दलवी जी आइए सर, इधर ही ले लीजिए। हाँ आप उनको पूछिए, इधर ले लीजिए। सुभाष जी, सुभाष जी हमने छोटा सा एक प्रयास किया, एक उपक्रम हाथ में लिया था, क्योंकि जब हमारे पास चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से लोग आए तब उनका यही कहना था कि आमतौर पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, तो अगर कोई सामाजिक संस्थाएं वगैरह अगर लोगों में एक जागरूकता लाए जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बने बढ़े, ये उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जितनी सामाजिक संस्थाएँ हैं वो क्यों नहीं एक रैली के ज़रिए एक अवेयरनेस लाएँ लोगों में कि उनका ये कर्तव्य है कि उन्होंने जाके वोट करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग इज़ अ नेशनल राइट और सबने उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसी मकसद के साथ आज की रैली ऑर्गेनाइज की गई। जी सर, इसके अलावा क्या रीज़न है कि सिर्फ 50% या 55% ही लोग वोट कर पाते हैं? ऐसे ही ये जागरूकता लाई गई, क्योंकि आपने देखा कि लोगों में जो इलेक्शन के प्रति जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और लोगों में ये समझ लोगों में है, पता नहीं किस कारण से वो
वोटिंग करने नहीं निकलते हैं, लेकिन हमने यही कहा है कि ये आपका हक है और अच्छा कैंडिडेट जो आपके लिए, फिर बाद में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो जो कंप्लेंट करने का हक है वो भी आप खो देते हो। अच्छा कैंडिडेट लाइए जो समाज का कार्य करे, तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इतने सारे लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं आपके साथ, तो सर मतलब आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव में सब जुड़ना चाहते हैं पूरी पूरी दिल से? मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए, जो इतने कम समय में, मतलब सभी जागरूक नागरिक हैं और यही जागरूकता वो आम तौर पे लोगों में लाना चाहते हैं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जागरूकता बढ़ने की वजह से, परसेंटेज बढ़ने की वजह से डिसीजन भी फेर आएगा? देखिए मिस्टर असद, हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट तो है ही नहीं, हम लोग आम तौर पे एक कॉमन आदमी है जिन्हें सिर्फ ये पता है कि लोगों में एक जागरूकता लाना चाहिए और एक अवेयरनेस करना चाहिए। पॉलिटिकल उसके क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या एनालिस्टिक सिचुएशन होगी, ये बताना हम लोगों को कठिन होगा क्योंकि हम लोग आम साधारण नागरिक हैं और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं। जी सर, इसके अलावा जो आपके साथी हैं जो हर इनिशिएटिव में आपका साथ देते हैं एक स्तंभ की तरह है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके? देखिए मुझे लगता है कोई भी संस्था का जो प्रगति होती है एक भरोसे पे होती है। शायद मेरे लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा है कि हम अगर कुछ कार्य हाथ में लेते हैं तो मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ समाज कार्य के लिए है, और शायद इसीलिए ये उनका प्यार है जो इतनी तादाद में मेरा साथ देते हैं। सर आप लोग बताइए कि क्या ऐसा रीज़न है सर जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उसके अंदर पूरी जी जान से आप लोग जुड़ जाते हैं? आप ये हिस्ट्री देख लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोग कवर करते हैं ये प्रोग्राम्स, तो आप कई साल का पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिए, हर एक प्रोग्राम जो सर ने लिया है वो आउट ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। आप कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, वो मानवता, सोसाइटी, कम्युनल हारमोनी के ऊपर होता है, अच्छी चीज़ के लिए होता है, सब लोगों को साथ में करने का प्रोग्राम होता है। तो इस प्रयास में सर जब लोगों को साथ में लेते हैं तो अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, और जब लीडर हमारा पावरफुल हो, इस विचारधारा का हो, तो जो संख्या आप देख रहे हैं अभी इससे भी कई हज़ार गुना और बढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि सर के पास हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती है। और बेसिक सर का मोटो हमेशा रहा है कम्युनल हारमोनी, पीस, लोगों में भाईचारा बना रहे, देश में अमन शांति रहे। सर आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है कोई जो है पॉलिटिकल व्यक्ति आपके साथ जुड़ा नहीं है फॉर द दिस इनिशिएटिव, ये कितना ज़रूरी था? क्योंकि अगर कोई भी एक पॉलिटिशियन जुड़ता तो लोग सोचते कि ये पार्टी के लोगों के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी था? आपने हमारा बैनर देखा होगा कि आज की आवाज़ अ नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसमें पॉलिटिक्स का दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, क्योंकि किसको वोट देना ये हर एक का अपना पर्सनल विचार है, अपना पर्सनल मत है वो किसको वोट देना चाहेंगे, इसीलिए हमने इसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा है। सर सारे उम्मीदवारों ने आपका आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाई थी, तो उन किसके ऊपर आपका आशीर्वाद रहेगा? अच्छा जी, आपने कुछ पर्सनल सवाल किए हैं, आई थिंक मुझे हर एक का मत, हर एक का अधिकार, तो किसी का अधिकार क्या है वो तो मत जिसको देंगे वो तो मत पेटी में जब बंद होगा तभी पता चलेगा ना। 24 तारीख को पता चलेगा कि सर का आशीर्वाद किसको है। देखिए जो समाज के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा, जो लोगों के लिए कार्य करेगा, लोगों में इतनी तो समझ है कि सही कैंडिडेट कौन है और किसे चुन के लाना है, ये हर कोई समझता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट कास्ट करना जरूरी है आप इलेक्शन कमीशन से, तो सर कितना जरूरी है ये इनिशिएटिव, क्योंकि काफी कम जैसे 55% आई गेस वोटिंग होती है हर साल, इस साल जो है हम ज्यादा की उम्मीद करेंगे, और ये इनिशिएटिव कितना जरूरी होगा सर? यस, मुंबई सर्वम कलेक्टर की तरफ से स्वीप कार्यक्रम का आयोजन सब जगह पे हुआ है, और पूरा मुंबई शहर में अलग अलग संस्था है जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रही है। इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली दो तरीके का क्राउड हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं, एक है सोसाइटी का क्राउड है और एक है स्लम का क्राउड है। तो दोनों क्राउड को टारगेट करते समय सोसाइटी का जो क्राउड है उसमें सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज हैं, इनके जैसे जो अच्छे हुआ एलिमेंट पर्सनैलिटीज़ है, इनके माध्यम से जो एन जी ओज वगैरह है, इन लोगों को जुड़ के हम लोग घर घर तक हम लोग वोट करने के लिए उनको अपील कर रहे हैं। और दूसरा जो भाग है जो स्कूल और कॉलेजेस है, अपने उपनगर में 72 हमारे पास कॉलेजेस हैं, 72 कॉलेजेस के एनएसएस के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल सब 6,500 स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स हैं हमारे, इनको हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है, उसके माध्यम से पूरा हम घर घर तक हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।
दूसरा जो है स्लम के मामले इसमें देखेंगे तो वहाँ एक स्वच्छ मुंबई प्रबोधा अभियान नाम की स्कीम है। वो स्वच्छ मुंबई प्रबोधा अभियान की जो स्कीम है उसकी जो सफाई मित्र कार्यकर्ता होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो बस्ती के, उनके माध्यम से घर घर में जाके लोगों को बता रहे हैं कि यस अपना अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ वोट करना है। साथ में हमारे आंगनवाड़ी चलती है, 4200 आंगनवाड़ी है बस्ती में, 200 घर के पीछे एक आंगनवाड़ी, तो उस हिसाब से 6500 कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के होते हैं। तो उनके माध्यम से वापस घर घर में जाके लोगों को बता रहे सेल्फी विथ वोटर पैड, वो बच्चे जाके अपने माँ बाप को बता रहे कि आपको वोट करना है, वोट करने के बाद में इंक लगना है आपको उंगली को, और वो उंगली जो है उंगली के साथ में जाके वोटर विथ सेल्फी विथ वोटर पैड एक कैंपेन दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स, हमारे जो आरोग्य सेविका होती है वो भी घर घर में जाती है, 200 घर के पीछे एक यूनिट उनका होता है, तो वो भी घर घर में जाके यही कैंपेन को लोगों को बता रहे कि अपने को ये कैंपेन करना है। रहा सवाल वर्सोवा या कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें लास्ट टाइम भी लोकसभा में भी इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया था, यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं बेसिकली जितने स्कूल कॉलेजेस हैं उनके पेरेंट्स हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं सुचित्रा कौर साहब और बाकी सब लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, और उन्होंने बताया कि हमको लोगों में जाना है स्वीप का कैंपेन के माध्यम से। स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्ट्रो पार्टिसिपेशन, तो ये जरूरी इसके लिए है क्योंकि लास्ट टाइम का वोटिंग और ये टाइम का वोटिंग में अपने थोड़ा बढ़ोतरी होना जरूरी, और ये बढ़ोतरी होने के लिए बेसिकली आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, 21 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर होती है तो लोग छुट्टी के मूड में रहते हैं, तो हम अपील करते हैं कि छुट्टी के बाद में जाओ पहले वोट करो। कई लोग क्या करते हैं कि उस समय वो पिक्चर या थिएटर में जाने का पसंद करते हैं, हम बोलते हैं पिक्चर जरूर देखिए लेकिन वोट करके पिक्चर में जाओ। तीसरी जो बात है हॉलीडेज, 19 तारीख हॉलीडेज है तो हॉलीडेज दो दिन थोड़ा रुको, अपना राज्य को अगर आगे लेके जा रहे हैं अच्छा उम्मीदवार चुनना, क्योंकि आप जो चुन के देने वाला जो उम्मीदवार है वही उम्मीदवार आपका रिप्रेजेंटेशन करता है अपना क्या बोलते हैं सभागृह में, तो आप ऐसा उम्मीदवार चुनिए कि जो बिना दबाव में आके चुनना चाहिए, किसके दबाव में नहीं आना चाहिए या किसके डर के आगे नहीं आपको झुक के करना है, आपके मन को पूछना है कि आपको वोट करना है और सही आदमी को वोटिंग करना है, इस तरह का माहौल है। आपने देखा हमारा बेस्ट बसेस हम लोगों ने पूरा